लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, मैं ज्यादा स्वागत है आपका इंडिया आज तक टीवी लाइव में। चलिए बढ़ते हैं आज के समाचारों। झांसी में आज कांग्रेस के भ्रष्ट तंत्र की बलि चढ़ी पार्टी अरविंद वशिष्ठ। मैं किसी लोभ लालच वश पार्टी नहीं छोड़ रहा हूँ, चाहे मेयर नगर निगम का इलेक्शन हो या विधायक इलेक्शन हो। पार्टी ने मेरा टिकट काट कर हमेशा मेरे साथ धोखा किया। हमेशा मुझे आश्वासन दिया गया और कहा गया कि आपके अलावा कौन है, और बाद में हमेशा मुझे अन्याय और उपेक्षा ही मिली। इस बार भी मुझे 30 जुलाई को व्हाट्सएप कॉल पर राष्ट्रीय सचिव ने कहा था कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और महासचिव प्रियंका जी आपको चुनाव लड़वाना चाहती हैं। मैंने पूरी ताकत के साथ संघर्ष किया, इसके बावजूद भी मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं इस पार्टी को छोड़ने का निर्णय लेता हूं, क्योंकि मैं भी मेरे साथ जुड़े लोगों के प्रति जवाबदेही हूं। झांसी की जनता मुझे माफ नहीं करेगी अगर मैं उनकी सरकार को नहीं सुनूंगा। अवसर पर निम्न पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया, जिसमें प्रमुख रूप से महिला प्रदेश अध्यक्ष, बुंदेलखंड प्रभारी प्रभात पाल, महासचिव जितेन भदौरिया, महासचिव शिवम नायक, प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक वाशी उमर, सचिव अनवर अली आदि कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे। झांसी से ब्यूरो चीफ प्रतीक सैमसन की रिपोर्ट। आज देखा जाए, जैसा कि एक भारी संख्या में सारे सभी लोग आपके साथ सम्मिलित हैं, क्या हुआ आज? देखिए, आज पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, और मैं समझता हूँ उस उपेक्षा के कारण आज हमारे लोग इस पार्टी को छोड़ने को मजबूर हैं। यदि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 30 साल से हम पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर वर्ष हमें जनता चाहती है कि हम उनका नेतृत्व करें, तो पार्टी उसकी उपेक्षा करती है। यदि आज हम इस कांग्रेस पार्टी को अलविदा नहीं कहेंगे, तो जनता भी हमें माफ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं देखा जाए, पार्टी तो आप ही लोगों की है। आपने पार्टी में भी बात रखी कि इस तरह की मैं गतिविधि कर रहा हूँ? मैंने पार्टी हाई कमान को 3 दिन पहले इस बात से अवगत करा दिया गया था कि यदि इस बार भी मेरे साथ अन्याय होगा तो मैं पार्टी छोड़ूंगा। लेकिन पार्टी में मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की कोई पकड़ नहीं है, मेरी कोई जब हैसियत नहीं है, तो मुझे पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे जाने आने से। मैं इसलिए पार्टी को अरविंद जी, आपका अगला कदम क्या होगा इसका? देखिए, हमारे सारे लोग जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है जी, उनके निर्णय के बिना हम कोई निर्णय यहाँ लेके आपको नहीं मैं कुछ भी। आज जैसे कि नामांकन का आज लास्ट दिन मानो या कल ही लास्ट दिन है, अब तक तो आपको बताना हम लोगों को कहना चाहिए कि अगला आपका क्या कदम चल रहा है जी। पार्टी ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए। पहली लिस्ट में जहाँ से टिकट निकलिया होना था उसको अटकाए रहे, आज सारे रास्ते हमारे सामने बंद है। लेकिन हम जब हमारा इस पार्टी में अब हमें घटन हो रही है कि हम इस पार्टी को क्या, तो क्या आप कांग्रेस को हराने का काम करेंगे? नहीं, हम तो किसी दूसरे दल में जाएंगे। हमें कांग्रेस जब हम किस गाँव में जाना उस काम में क्या, तो आपने किस दल में जाने की सोची होगी? अभी जैसे आपने कहा था कि नए लोगों को पार्टी में आए उनको टिकट दे दिया गया है। मैंने नहीं कहा है। अभी आप जो पार्टी का निर्णय कुछ लोग नए आ गए हैं उनको टिकट दे दिया है। नए आने से मेरा ये मतलब नहीं है कि अभी की अभी पैदा हो गए हैं। मेरा मतलब है संघर्ष से, संघर्ष करने में वो अभी नए आए हैं, जमीनी काम करने में नए आए हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस का जो केंद्र का नेतृत्व फेल हो चुका है? अगर नेतृत्व हमें नहीं मालूम, हमें तो ये मालूम कि बुंदेलखंड के एकमात्र नेता प्रदीप जैन आदित्य जी है, वो कह रहे थे एकमात्र टिकट हम झांसी से आपका मांग रहे हैं, अपने क्षेत्र में मांग रहे हैं, आपका टिकट होना चाहिए, आप तैयारी करो। तो अगर मुझे तो नहीं लगता कि उनकी भी कोई तो केंद्र नेतृत्व से बात का है ना, लेकिन यहाँ के लोकल तो उसकी अथॉरिटी में कोई हैसियत है कि नहीं? महाराज साहब के कहने पर 3 टिकट हो गए तो प्रियंका फेल होगी नेतृत्व बनने में? क्या नहीं, हमें नहीं मालूम कौन फेल हुआ कौन पास हुआ। हमें मुझे लगता है कि हमें उस पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा तो हमें नहीं रहना। अब क्या विचारधारा रह रही?